कुछ नहीं दिख रहा भाई, यहाँ अंधेरा अंधेरा और बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि इस जंगल में जानवरों का बहुत खतरा है। सो गाइज, हमारी मॉर्निंग की कॉफ़ी बन गई है। एवरीवन वेलकम बैक, मैं आने था कैंपिंग वीडियो। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि इतनी शाम को ये कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं नाइट कैंपिंग करने। हम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, दीपू दा है मेरे साथ, तो वो थोड़ा आगे मिलने वाले हैं मुझे क्योंकि उनका घर ऊपर है और मेरा थोड़ा 4-5 किलोमीटर नीचे है। तो अभी मैं उनके घर के पास जाता हूँ और उन्हें बुलाते हैं और उसके बाद नाइट कैंपिंग करने जाते हैं। सो गाइज, आज बड़ा मज़ा आने वाला है, वीडियो में ऐसे ही बने रहिए आप। सो गाइस, अभी मैं एक ऐसी जगह में पहुंच गया हूं जहां से अगर आप सामने देखते हो तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सो गाइस, ये देख सकते हो, ये हमारा पूरा लोहागढ़ शहर, यहां से हमारा पूरा लोहागढ़ शहर दिख रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। सो गाइज, मेरे चारों तरफ आप जंगल देख सकते हो, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और अभी फ़िलहाल मैं चल ही रहा हूँ, अभी दीपूदा के घर पहुँचा नहीं हूँ, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, उसके बाद दीपूदा के घर मैं पहुँच जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से चलेंगे नाइट कैंपिंग के लिए। अब मैं सीधे आपको वहीं मिलता हूँ। तो गाइस, फिलहाल हम एक लोकेशन में पहुंच गए हैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट मैदान है। और ये हमारे साथ हैं दीपूदा, और इन्हें बुला के ले आया हूँ। फिलहाल अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है यार, सर्दियों में तुम्हें पता ही है कि जल्दी रात हो जाती है, 5:30 करीब हो गया है और 6 बजे करीब रात हो जाएगी। और हमने अभी लकड़ी वगैरह भी ढूंढनी है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, ये पहले इसे थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा तब हम यहाँ पे टेंट लगा पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल अभी पहले लकड़ी ढूंढ लेते हैं और मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो गाइस, फिलहाल हम अब लकड़ी ढूंढने चल रहे हैं, अंधेरा होने ही वाला है और आगे को जंगल आप देख सकते हो, आगे को लकड़ी ढूंढने जा रहे हैं हम। रात भर हमने रहना है यार, तो थोड़ी ज़्यादा ही लकड़ी चाहिए होंगी हमें। कुछ नहीं दिख रहा भाई, यहाँ अंधेरा अंधेरा और बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं। वही तो कहीं घुसा होगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया। तो गाइस, हमने टेंट लगा लिए हैं, ये बड़ा वाला टेंट लगता था और ये वाला छोटा वाला मेरा है। और इस छोटे वाले में हम सामान वगैरह रख लेंगे क्योंकि ये बड़े वाले में दोनों सो जाएंगे। और 6:30 वगैरह हो गया है, अंधेरा भी बहुत हो गया है, टाइम से आग वगैरह जला लेते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तुम्हें कि इस जंगल में जानवरों का बहुत खतरा है, तो पहले आग वगैरह जला लेते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में आगे। ज़्यादा यहाँ पे पाला इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि आग तो लग नहीं सकती, लेकिन सेफ्टी तो सेफ्टी होती है, तो फटाफट गड्ढा बनाते हैं और उसके बाद आग जलाते हैं। फिर
सो गाइज आप सोच रहे होगे कि ये पेड़ ये लोग काट के लेके आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये पेड़ हम काट के नहीं लाए हैं, ये पहले से गिरे हुए पेड़ हैं। तो अगर आप भी कैंपिंग करने जाते हो तो पेड़ों को नुकसान बिल्कुल ना कीजिए। गाइस जब तक मैंने लकड़ी काटी तब तक खुदा ने चाय वगैरह बना ली है। तो गाइस कोई साथ में होता है तो उसका यही फायदा होता है कि काम बढ़ जाते हैं। फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं। हाँ दिख जाएगा। ये हमने रात के लिए इतनी लकड़ियाँ लगा दी, सुबह तक ये जलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे लगा हुआ है हमारा टेंट, एक टेंट यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पे हम सोएंगे, और जो छोटा वाला टेंट है हमने मतलब सामान वगैरह रखा है सारा, जितना भी हम लेके आए थे दोनों। वक्त 10:30 बज गया है, तो फिलहाल अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया, खाना वगैरह खा लेते हैं पहले। तो भाई आज कुछ नया ट्राई किया हमने, नाइट कैंपिंग में जाते लोग क्या करते हैं चिकन ही बनाते हैं, तो आज हमने काले चने बनाए हैं और साथ में अंडे का भुजिया बना रखा है, खाने में बहुत ही टेस्टी हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी ट्राई कर लेना चाहिए यार। बोटिया उसके पास है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अनदर कैंपिंग वीडियो। तो गाइस सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 6:30 बज गए हैं, और फिलहाल रात की आग बुझी नहीं थी यार, कोयले वगैरह थोड़े बचे हुए थे उनसे अभी हमने आग जला ली है। और ठंडा बहुत हो रहा है यार, क्योंकि सर्दियों के दिन है और आपको पता ही है पहाड़ों में कितना ठंडा होता है, तो ठंडा बहुत है। थोड़ी देर आग वगैरह सेकते हैं, उसके बाद चाय वगैरह बनाते हैं।
सो गाइस हमारी मॉर्निंग की कॉफ़ी बन गई है। अभी हमने कॉफ़ी बनाई है सुबह, क्योंकि सुबह सुबह कॉफ़ी अच्छी होती है। तो अभी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस मिलते हैं आगे वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो गया है अब घर जाने का। कल आए थे हम 5:30 बजे शाम को और अभी फिलहाल हो गया है सुबह के 10 बजे। और तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले किसी कैंपिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और इतना सपोर्ट।